जी हाँ, हरे कृष्णा। स्तिथि पालन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही अति पावन तिथि का पालन करने जा रहे हैं, हमारे पूज्य भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अनुगत में। आज श्री श्यामानंद प्रभु जी की तिरुभाव तिथि है और उसी का पालन हम पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के साथ पालन करेंगे। आपका गला का आवाज कम आ रही। मैं जय ध्वनि के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। जय श्री गुरु गौरांग गंधर्वी का गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। श्री राधा रमण जी की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत सर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। रूपानु गुरुवर की जय। वृंदावन नवदीप धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्यामानंद प्रभु की जय। श्री श्यामानंद प्रभु तिरुभाव तिथि की जय। तिरुभाव तिथि पालन करे भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। दंडवत महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आपका स्वागत है महाराज जी इस तिथि पालन के कार्यक्रम में, और आप शुरू कर सकते हैं महाराज जी। आप शुरू कर सकते हैं महाराज जी। शुरू करें, कीर्तन जी हाँ महाराज जी। करेंगे। 1 मिनट। ठीक है, बज हाँ ठीक है महाराज जी। रहा है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। पीछे बोले राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय जसोदा नंदन ब्रज जन रंजन जसोदा जीवन ब्रज जन यशोदा जीवन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। उनका आवाज मैंने सुन नहीं सकता, मेरे सुन रहे लेकिन उनका नहीं सुन सकता। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम ओम अज्ञान तिमिरांध ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्री गुरुपाद पद्म की मधुर स्मृति को उपलक्ष्य करते हुए हम लोग आज का जो तिथि हमारे संप्रदाय में जो आचार्य हुए श्री श्यामानंद प्रभु का आज श्री तिरुभाव महामहोत्सव आज हम उनके विषय में कुछ सुनने हम जा रहे हैं। कहते जो वैष्णव जब कोई शरीर छोड़ते हैं हम लोग ये मरना शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, हम कहते तिरुभाव महामहोत्सव। केवल उत्सव नहीं कहते महामहोत्सव हम कहते। बोले क्यों, कारण क्या? कहते जो वैष्णव का है कहते न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवानांच विद्यते। कहते वैष्णव का कोई मृत्यु नहीं होता, उनका कोई जन्म नहीं होता, न जन्म और कर्म बंधन भी नहीं होता है। क्योंकि जो वैष्णव लोग होते हैं कहते ये इसी जगत के होते ही नहीं, वो तो होते हैं गोलोक वृंदावन से राधा रानी की आशीर्वाद, राधा रानी को आदेश को प्राप्त करते हुए ये जगत में हम लोग जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए वो आते हैं। जैसे कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जैसे कृष्ण इसी जगत में जब जब युग जगत में अधर्म को हानि होने लग जाए और अधर्म को धर्म की हानि अधर्म का प्रबलता बढ़ता है, जैसे भगवान इसी जगत में युग युग में अवतीर्ण होते हैं उसी तरह कभी कभी भगवान तो स्वयं आते हैं और कभी कभी अपना निज जन को भी जगत में भेज देते हैं। इसलिए जो गुरु तत्व में बताए बोले संसार दावा नल लीढ़लो त्राणाय कारुण घना घना प्राप्त कल्याण गोर्णव वंदे गुर श्री चरणारवि। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कहते भगवान की जो कृपा शक्ति, भगवान की जो आनंदमय शक्ति, भगवान का कृपा ही इसी जगत में कहते एक रूप धारण करते हुए इसी जगत में श्री गुरुपाद पद्म रूप में इसी जगत में आते हैं। इसलिए भगवान स्वयं कभी और अपना भक्तों को जगत में भेज देते हैं। इसलिए और भगवत इच्छा से इसी जगत में आते हैं, जब उनकी काम पूरी हो जाते हैं फिर भगवत इच्छा से फिर वो अपना दिव्य धाम को वो वापस चले जाते हैं।
इसलिए वैष्णव के लिए हम लोग मरना शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। कहते तिरभाव महामहोत्सव, मतलब उनकी महामहोत्सव, आप विरह महोत्सव, विरह मतलब होता है भी, मतलब विशेष पूर्वक, रह मतलब होता है लीला करना, अकेली। यहाँ तो दिखाई पड़ता है जैसे ये संसार छोड़ करके चले गए, और गए तक गए कहाँ, बोले और कहीं नहीं गए, वो जहां से आए थे फिर भगवत आदेश से फिर अपना नित्य धाम में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो दिखाई पड़ता है चले गए, लेकिन जब अनंत जीवों को उन्होंने कृष्ण भजन में लगा करके जब वो गोलोक वृंदावन में वापस जाते हैं भगवत धाम में, वहां पर श्री राधा कृष्ण, श्री सच्चिदानंद गौर हरि महाप्रभु वहां पर उनको स्वागत करते हैं, क्योंकि इतने जीवों को उन्होंने भगवान के भजन में लगा कर गए। प्रभुपाद कहते हैं जो माया में फंसे हुए जो जीव, अगर एक जीव को किसी तरह से भगवान के भजन में कोई लगा दे, कहते करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल कोई खोल दे, करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज कोई खोल दे, करोड़ों करोड़ और नक्षत्र अगर कोई खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी तो बोले एक व्यक्ति को भगवत भजन में लगाने का उससे 100 करोड़ गुण ज्यादा उसको पुण्य प्राप्त होता है, और उसको विशेष करके भगवत भक्ति प्राप्त होता है। इतने महिमा एक व्यक्ति को भजन में लगाने का। लेकिन हमारी जो महापुरुष लोग जैसे आज श्री श्यामानंद प्रभु का त्रिभाव, इन्होंने अनंत जीवों को उन्होंने भगवत भजन में लगा करके उन्होंने जब प्रभु का धाम में चले जाते हैं, वहां पर विशेष करके वहां पर महा महोत्सव वहां पर होता है। इसलिए वैष्णव को हम लोग मरना शब्द वैष्णव के लिए प्रयोग नहीं करते। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवत में एक बड़ा सुंदर उन्हें उदाहरण देकर समझाया। देखो उन्होंने क्या उदाहरण दिया श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जैसे कृष्ण जब ये संसार छोड़कर चले गए, साधारण लोग सोचते हैं अरे हम भी जैसे जन्म लेकर मर जाते हैं, कृष्ण भी ऐसे गए। इसलिए अगर अभी भी आप प्रभास क्षेत्र में जाएंगे, अब वहां पर भी एक स्थान दिखाते हैं कृष्ण शरीर छोड़ने के बाद यहीं पर उनको जलाया गया, अभी वो एक स्थान दिखाते हैं। लेकिन इसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवत में वर्णन आता है, जब कृष्ण ये जगत छोड़ कर गए, कहते उनको तीन व्यक्ति तीन तरह से दर्शन किया। कैसे, किस रूप में दर्शन किया? कहते जो साधारण व्यक्ति थे उनको क्या लगा, जैसे जरा सबर ने बाण मारे और कृष्ण का चरण में चुभ गया और उनको यहीं पर जला दी, साधारण व्यक्ति। लेकिन जो विशेष व्यक्ति, जैसे जैसे उनको साधारण लोग क्या देखा, उनने देखा भागवत में वर्णन आता है घने सौदा मिन जथा, मतलब जैसे आकाश में बिजली चमकती है और अंतर ध्यान हो जाती है। कहते जो साधारण देवता लोगों ने देखा, जैसे कृष्ण हठात है कि बिजली चमकी और कृष्ण कहाँ गए, लेकिन वास्तव रूप में उनको किसने देखा, कहते उनको जो शुद्ध भक्तों ने देखा, कौन कौन, कहते ब्रह्मा और शंकर। तो ब्रह्मा शंकर ने क्या देखा, उन्होंने देखा गोलोक वृंदावन से कैसे विमान उतर करके आया कृष्ण गोलोक और वो विमान में बैठे, और बैठ करके जब उन्होंने भूर भूव सब लोग को पार करते हुए गए, सबको स्वागत, सब देवता लोग उनको स्वागत किया, और ब्रह्मा शंकर जी स्वागत किए और भगवान अपना नित्य धाम गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी चले गए। ठीक उसी तरह जो वैष्णव लोग भी ठीक उसी तरह, साधारण लोग क्या देखते हैं, अरे तो शरीर छोड़ दिए, लेकिन विशेष भक्त लोग क्या अनुभूति करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक सुंदर उदाहरण दी, कहते एक समय किसी एक जादू, कोई एक राज्य में कोई एक जादूगर आया, राजा को बोले मैं आपको कुछ जादू विद्या दिखाना चाहता हूँ, हाथ की सफाई। तब उन्हें सारे राज्य के लोग वहां पर एकत्रित हुए और वो जादूगर अपना पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर के आया था। उसने इतने सुंदर जादू विद्या दिखाया, रानी तो मुग्ध हो गई। मुग्ध होकर के उसकी गले में एक सुंदर सोने की हार था, उसने उतार करके उन्होंने उनको एक बच्चे को हाथ में दे दिया। जब हाथ में देते ही
वो हार को लेकर के दोनों बच्चे एक साथ में हार को पकड़े और दोनों बच्चे छोड़ना नहीं चाहता है। एक बच्चा कहता है ये मेरे को दो, दूसरा बच्चा कहता है मेरे को, दोनों छिनातानी करने लग गए लेकिन छोड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं हुई। लेकिन इन दोनों बच्चों को पास में म्यान में तलवार था, दोनों बच्चे एक साथ में म्यान से तलवार को निकाले और दोनों दोनों को ऊपर मारे, एक साथ में मारे तो दोनों का ही सर शरीर से अलग हो गए। जब जो उनकी जो माँ थी उन्होंने देखा जब मेरे दोनों ही बच्चे चले गए फिर मैं रहकर क्या करूंगी, वो भी उसी तलवार को लेकर अपना गले को काट दिया। जो जादूगर था जादूगर उसने देखा मेरे जब बच्चे गए पत्नी गई पर मैं रह करके करूंगा क्या, उसने भी उसी तलवार से अपना सर को काट दिया। वहां पर लहू लवान हो गया, वहां पर जो एक आनंद की लहरी छा रहा था अभी संपूर्ण शोक की एक लहरी छा गया। इतने में राजा रानी मंत्री सब के सब बड़े दुखी हो गए। रानी ने सोचा अगर मैंने ये हार नहीं देता तो इतने अनहोनी नहीं होता, मैंने क्यों उसको हार दिया। राजा ने बोला एक काम करो इनको शरीर को लेकर दाह संस्कार कर दो। दाह संस्कार कर दिया। दो दिन बाद में राजा के पास में एक लेटर आता है और जादूगर ने वो लेटर भेजा, बोले महाराज महारानी हमारी प्रणाम आपको स्वीकार हो, अब की राज दरबार में मैंने आकर के पहला जो अपना हाथ की सफाई मैंने जो जादू विद्या दिखाया था आप एक सोने की हार हमें उपहार रूप में दिया था, लेकिन मैंने जो अंतिम जो हाथ की सफाई जादू विद्या दिखाई उसका तो कोई उपहार मेरे पास में आया नहीं। हम मरे ही नहीं, हमारी ये एड्रेस है, हम पत्नी बच्चे को साथ में बड़ी आनंद पूर्वक रह रहे हैं, इसलिए आप हमको उपहार देने के लिए हमें कृपा करें उपहार दो। राजा तो सुनकर के बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, वो बोले हमारे सामने तो मारे गए फिर इनका लेटर कैसे आया। तो उन्होंने रानी को बुलाया मंत्री को बुलाया लेटर पढ़ करके सबके सब बड़े आश्चर्य, बोले अभी जिंदा है वो तो मर गए उनको तो शरीर को संस्कार कर दिया। बोले देखो इनका पत्र कहते ये एड्रेस है, चलो हम सबके सब उपहार लेकर के उनको हम दर्शन करने जाते हैं। जब राजा रानी मंत्री सबके सब आए देखा वो जादूगर अपना पत्नी दोनों बच्चे को साथ में मुस्कुराते हुए सुंदरी एक फूल की माला ला करके राजा गले में पहना दी। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जब एक साधारण जादूगर ऐसा हाथ की सफाई दिखा सकता है और जिसकी कृपा से जो कृष्ण जिनकी कृपा से क्या कहते हैं जस्य प्रभा प्रभवतो जगत दंड कोटि कोटिसु अशेष वसुधाति विभूति वर्णम, जिनकी केवल एक इशारा पर एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाए फिर वो क्या नहीं कर सकते, वो क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भगवान जब कर सकते फिर उनका भक्त क्या नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त तो उनका हृदय में बैठते हैं। भक्त तो हैं कहते वैष्णव चिन्हित नारे देवर सकति, कहते वैष्णव लोगों को तो देवता लोग भी उनको क्रियाकल्प कलाप को देवता लोग भी समझ नहीं सकते, फिर साधारण जीव कैसे समझेगा। इसलिए आज श्री श्यामानंद प्रभु का आज श्री तिरुभाव महामहोत्सव मतलब है आज का दिन श्री श्यामानंद प्रभु जी उन्होंने अपना राधा कृष्ण की नित्य लीला में उनको नित्य निकुंज में राधा रानी की सेवा में उन्होंने प्रवेश किया। इसलिए कहले इनका जो स्वरूप था ये कौन थे, बोले कृष्ण लीला में ये कनक मंजरी सखी राधा रानी की एक प्रिय सहचरी। लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों को कुछ साधन भजन शिक्षा देने के लिए इसी जगत में श्री श्यामानंद प्रभु रूप में ये आए थे, इसलिए आज हम इनकी कथाओं को हम लोग आज इनकी कथाओं को श्रवण करेंगे और दिव्य शिक्षाओं को भी आज हम लोग श्रवण करेंगे। इसलिए यहाँ पर ग्रंथ में आता है, ग्रंथ में आता है कहते श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में भी इनकी कुछ कथा वर्णनाएं कहाँ पर जन्म कैसे जन्म क्या क्या उन्होंने किया है हम इसको थोड़ा श्रवण करेंगे। बोले दंडे स्वर ग्रामे बास सर्वस्व प्रबल माता श्री दूरी का पिता श्री कृष्ण मंडल, कहते इनका जो जन्म है कहते थे दंडेश्वर के ग्राम है
जो पहले जो मेदिनीपुर, ये मेदिनीपुर पहले ये उड़ीसा का अंतर्गत में, कहते इसलिए इनका जो जन्म है श्री उड़ीसा देश में ही इनकी जन्म हुए हैं। कहते ये कहते गांव का नाम श्री दंडेश्वर ग्राम में इनका जन्म है। कहते माता जी का नाम श्री दुरिका और पिताजी का नाम श्री कृष्ण मंडल। कहते ये कौन सा जाति में जन्म लिए, बोले सदगोप कुल श्रेष्ठ अति सुचरित कृष्ण से सर्वसुतार भक्ते अति प्रीत। कहते इनका जो जन्म है कहते सात गोप कुल में, कहते ये गोप जाति में ये जन्म ग्रहण किए, जैसे कृष्ण ग्वाला बन करके आए गोप जाति में, ये भी ये गोप जाति में ये भी जन्म ग्रहण किए। लेकिन साधारण जगत में जो ये गोप जाति को इतना श्रेष्ठ नहीं मानते, ये जाति को थोड़ी सी नीचा जाति मानते हैं। लेकिन इस शास्त्र में बताया यहाँ पर हरिभक्ति विलास में कहते हैं, नमे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त सपच प्रिय तस्मै देयम् तत्वग्राज्यम् सच पूज्य यथाहि अहम्। कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले ना मैं अभक्त चतुर्वेदी, भक्त चतुर्वेदी, भले ही कोई चतुर्वेदी, चतुर्वेदी मतलब ऋग श्याम यजुर् अथर्व, चार वेद, तो ये चार वेद का जो ज्ञाता क्यों नहीं हो, लेकिन ना मैं अभक्त चतुर्वेदी, अगर वो मेरा भक्त नहीं है, कहते भैया कृष्ण कहते हो मेरी प्रिय नहीं, लेकिन मत भक्त सपच प्रिय, अगर कोई चंडाल कुल में क्यों जन्म ग्रहण नहीं करे, अगर वो मेरी भक्ति करता है वो व्यक्ति मेरे प्रिय है, वो व्यक्ति मेरे प्रिय है। बोले तस्मय देयम तत्र ग्राज्यम, कहते वो जो वस्तु हमें प्रदान करता है वो वस्तु को मैं ग्रहण करता हूँ। जैसे भगवान कृष्ण है कहते दुर्जन की मेवा त्यागे साग भी दुर्घर खाए सबसे उची प्रेम सगाई। जैसे भगवान रामचंद्र ने झूठे बेर सबरी के खाए बहुविध स्वाद बताए, बोले सबरी आज तेरे झूठे बेर में जो स्वाद आया है, मेरी अनंत करोड़ लक्ष्मिया मेरे को कितने कितने छप्पन भोग 36 व्यंजन भोग लगाते हैं, उसमें इतना मेरे को स्वाद नहीं आता है, क्योंकि भगवान केवल प्रेम की ही भूखे प्रभु, इसलिए प्रेम ही सार है। इसलिए भगवान का एक नाम श्री भक्त वत्सल, इसलिए कहते जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजा सो हरि का होई। भगवान की भक्ति में जात पात का कोई विचार नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक श्लोक को उद्धृत करके कहते हैं, श्लोकों को उद्धृत करके कहते हैं भगवत भक्ति में कैसे जात पात का कोई विचार कैसे भगवत भक्ति में नहीं, उसमें कहते हैं श्रेष्ठ कुल विप्र नहीं भजन योग्य, नीच कुल नहीं जात कृष्ण भजन अयोग्य, जय भजे सही बड़ा अभक्त ही निचार कृष्ण भजन नहीं जाती। आवाज नहीं आ रहा महाराज जी, आवाज नहीं आ रहा। अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा, ठीक है अब हो गया, ठीक है।
अब ठीक है वो महाराज जी, ठीक है बोलिए। हरे कृष्णा, हरी बोल, हरे कृष्णा, हरी बोल, राधारमण प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद तार हिल गया, देखो क्या प्रॉब्लम है। हरी बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रभु जी आ रही है, आप आ रही है, हरी बोल, आवाज आ रही है, आ रही है प्रभु जी, आवाज आ रही है, अभी आ रही है, आ तो रही है महाराज, लेकिन वो हरे कृष्णा प्रभु जी आ रही है, लेकिन साफ नहीं आ रही, टूट टूट के आ रही है। इसलिए दिखाई पड़ता है श्री श्यामानंद प्रभु जी एक गोप घर में जन्म ग्रहण किए है, लेकिन भगवत भक्ति कोई जात पात का कोई विचार नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजा सो हरि का होई, भगवान की भक्ति में जात पात में कोई विचार नहीं। इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर एक सुंदर कीर्तन को द्वारा कहते हैं, कहते ए मन की तरे भरणा पोल, जय को लेके ना जन्म नहाय, केवल भाकते मोला, ए मन की तरे भरणा पोल। इस भजन का मतलब है, कहते हे मन, तुमने ये कुल को श्रेष्ठ कैसे मान लिया है, जई कुले के ना जन्म ना आए, मतलब किसी कुल में जन्म क्यों नहीं हो, मूल क्या है, बोले भक्त की मूल, जो भक्ति वो मेन वस्तु भक्ति है। तब एक एक उदाहरण देते हैं, बोले कपि कोले धन्ना वीर हनुमान, श्री राम भक्त राज, उदाहरण देते हैं, हनुमान जी भैया कौन सा कुल में जन्म हुए, वो तो बंदर घर में बंदर कुल में जन्म हुए। हनुमान खुद कहते हैं, अगर सवेरे उठ करके मेरे कोई मुंह देख ले, मेरे कोई नाम ले लेना, उसको दिन भर भूखा रहना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा। लेकिन देखो राम की भजन करने का वजह से घर घर में मेरी पूजा होती है। इसलिए दूसरा उदाहरण देते हैं, राक्षस कुल के प्रहलाद जन्मी, राक्षस प्रहलाद जी कौन सा कुल में जन्म हुए, बोले राक्षस घर में है, और इतने हम कहते कनकन में भगवान विद्यमान है, लेकिन जब हिरण्यकश्यप ने पूछा बता करे भगवान कहाँ है, तो उन्होंने बोले मेरे भगवान है ही नहीं, कहाँ तो बताओ, बोले खंभे में क्या है, बोले खंभे में तो है। तब उन्होंने मुष्टि का घात किया तो उन्होंने साक्षात श्री नरसिंह देव वहां से प्रकट हो गए। कहते श्री विभीषण ईश्वर सवार माज कहा राक्षस कुल में जन्म हुए, लेकिन जब भगवान का राम दरबार लगता है, भगवान जिस आसन पर बैठते हैं, जिस उच्च आसन पर, उन्होंने सबको, उन्होंने अपना सखाओं को एकदम बराबर आसन देते हैं भगवान। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवत भक्ति में नाम है अभक्त चतुर्वेदी, भले ही वो व्यक्ति चार वेद क्यों नहीं पढ़ा हुआ हो, चार वेद उसको याद क्यों नहीं हो, लेकिन अगर वो मेरे अभक्त है, भगवान कहते हो मेरे प्रिय नहीं, मत भक्त सपच प्रिय। लेकिन अगर कोई चंडाल घर कुल में जन्म क्यों नहीं हो, लेकिन वो मेरे भजन करता है, वो सर्वश्रेष्ठ, तस्मयी दयम, कहते वही व्यक्ति मेरे को देने का योग्य है, और वो जो वस्तु मुझे प्रदान करता है मैं उसको ग्रहण करता हूँ। और मेरे जो भक्त है, कहते मेरे भक्त है सच्चा पूज्य जथा आम, मेरे जैसे ये भक्त का पूजा होता है जगत में। बल्कि आप लोग देख लीजिएगा, जगत में जितने शायद राम और कृष्ण को पूजा होता होगा, उससे ज्यादा हनुमान की पूजा होती है, उससे ज्यादा भोले बाबा की ज्यादा पूजा होती है, उससे मजा देवी की पूजा होती है, जय माता जी बोल करके। आप देखो कहाँ कहाँ ऊंचे पर्वत के ऊपर लोग जहाँ चढ़ करके जाते हैं,
शंकर जी को देखो जगत में शायद इतना कृष्ण राम का पूजा नहीं होता जितना श्री भोले बाबा की पूजा होती है। बोले क्यों? भगवान कहते भैया मेरे जो भक्त है मेरे से भी मेरे भक्तों का पूजा श्रेष्ठ है। इसलिए भगवत भक्ति में इतने भगवान की जो भजन करे जगत में अजर अमरत्व प्राप्त करते हैं। इसलिए यद्यपि दिखाई क्या पड़ता है यहाँ पर कहते उनका जन्म कहाँ कौन सा कुल कुल सात गोप कुल श्रेष्ठ अति सुचरित ये सात गोप कुल में श्री श्यामानंद प्रभु जन्म लिए और जिनका चरित्र अत्यंत अत्यंत दिव्य और सुंदर चरित्र है। बोले कृष्ण से सर्वस्वतार भक्ते अति प्रीत कृष्ण मंडल दुरिकार गुणागन जतो ग्रंथ रे बाहुल्य भय नाही नाहय वर्णन। यहाँ पर कह रहे हैं कहते उनको जो पिताजी थे जो कृष्ण मंडल माता जी दूरी का कहते इनका जो दिव्य चरित्र बहुत बहुत ही सुंदर चरित्र है लेकिन ग्रंथ बढ़ जाएगा उसको वर्णना करने के लिए इसलिए वो बात मैं वर्णना नहीं करता हूँ। बोले धारेन्द्र बहादा पुरे ते सर्व स्थिति शिष्ट लोग कहे श्यामानंद जन्म तिथि। इसलिए जिस गांव में दंडेश्वरी में इनके जन्म हुआ है सब लोग कहते हैं ये गांव धन्य है जहां पर श्री श्यामानंद प्रभु ने जन्म ग्रहण किया है। कते कोन मते मंडल र नाही प्रतिबंध पुत्र कन्या गत हैल हैल श्यामानंद। कहते ये श्यामानंद प्रभु कब जन्म हुए तब वो वर्णना करते हैं। पहले इनके जो पिता और माता जी की एक बेटा और उनका एक बेटी हुई थी लेकिन वो जो बेटा बेटी हुए लेकिन बेटा बेटी जन्म होते ही दोनों ने शरीर छोड़ चुके थे। इसलिए कहीं कहीं सुनने को मिलता है कहीं कोई एक साधु इनके घर में कभी आए और इनकी माता जी जब उनको कुछ भिक्षा दिए तो उनको माता जी साधु से पूछे बोले बाबा मेरे गर्भ में तो संतान जन्म होता आता है लेकिन जन्म लेकर मर जाता है तो कोई कृपा कर जैसे मेरे बच्चे नहीं मरे। तो किसी साधु ने कहा देखो एक काम करो अभी भी तुम्हारी गर्भ में बच्चा तुम ये बोलो जब ये मेरा जो बच्चा जन्म लेगा इसको मैं ठाकुर जी को समर्पण कर दूंगा भगवान को मैं अर्पित कर दूंगा। जब कोई चीज भगवान को अर्पित कर देते हैं फिर तो जाके राखे साइया मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी हुई भगवान जिसको रक्षा करते उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता है। सचमुच से उन्होंने वो बच्चे को भगवान के बोले ये बच्चा जन्म लेगा तो उसको मैं भगवान की सेवा में दे दूंगा और इसको साधु संतों की सेवा में दे दूंगा। सचमुच से श्री श्यामानंद प्रभु जन्म हुए। बोले श्री श्यामानंद प्रभु की जय। ये श्यामानंद प्रभु जन्म हुए और दिन दुगुना रात चौगुना ये बढ़े और उन्होंने बचपन में जितने उनको संस्कृत जितना शास्त्री भक्ति और जितने उनको समस्त विद्या इनको अध्ययन करा के उनको एकदम एक्सपर्ट कर दिया। देखो इसी विषय पर मैं अपना परिवार की तरह एक कथा सुनाता हूँ। कहते मेरे भी एक भाई थे बड़े भाई लेकिन वो बहुत बीमारी में पड़े। कितने बीमारी में पड़े देखा एकदम अंतिम सज्जा में लेटे हुए। अभी बचने का पिता माता बहुत कोशिश कर लिया लेकिन बचने का कोई और संभावना नहीं देखा तो ये तो मर जाएगा बच्चा। लेकिन हमारे उड़ीसा में एक नियम है किसी बच्चे को अंतिम समय अगर आए उसको अगर जगन्नाथ जी की सेवा में अर्पण कर दो हे जगन्नाथ जी अगर ये बच्चा बचेगा तो हम तुम्हारी सेवा में दे देंगे इसको हम साधु बना देंगे फिर बच्चा मरता नहीं। क्यों? ठाकुर जिसको रक्षा करते बच्चा कौन उसको मार सकता है जिसको भगवान रक्षा करे। जब देखा ये बच्चा तो मर जाएगा तब उन्होंने एक सूप के अंदर में बच्चे को लेटा दिया और पानी लेकर के चारों तरफ में घुमा करके बोले हे जगन्नाथ हे बलदेव सुभद्रा अगर ये बच्चा अगर जिंदा अगर हो जाएगा तो ये बच्चे को हम तेरे सेवा में दे देंगे इसको हम साधु बना देंगे। और जिस दिन से उनने जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया वो बच्चा मरने वाला था वो जिंदा का कोई चांस नहीं था लेकिन वो बच्चा जिंदा हो गया और मरा नहीं। और हमारे जितने भाइयों में वो सबसे बढ़िया और सबसे कला विद्या में सबसे निपुण निकला। इसलिए आप कभी जगन्नाथपुरी गए होंगे हमारी गुरु जी की मठ में वहां पर जो भगवान की जो लीलाएं हैं उन्होंने भी कुछ लीलाएं उन्होंने की है बड़े सुंदर बड़े मिस्त्री उसने निकला। इसलिए कहते इन्होंने जब बोल दिया ये बच्चे को
हम ठाकुर जी को सेवा में दे देंगे। तभी श्यामानंद प्रभु जन्म हुए, बड़े सुंदर सुंदर दिव्य उनका स्वरूप है। अजान लंबित भुजा आकर्ण लंबित चक्षु, और जो महापुरुष में जो 26 गुण होता है उनके अंदर में सारे 26 गुण उनके अंदर में विद्यमान था। जब विद्यमान था, अभी जब उन्होंने धीरे 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 बड़े हुए समस्त शास्त्र को, अल्प उम्र में समस्त शास्त्र को उन्होंने अध्ययन कर लिया, और बचपन से ये तो कनक मंजरी है ही है, बचपन से स्वाभाविक रूप में भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की भजन में, भगवान की सेवा में इनको बचपन से ही स्वाभाविक रूप में अनुराग ठाकुर जी के चरण में। बचपन से अगर खेले तो उन्होंने कृष्ण को लेकर खेलते हैं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को लेकर खेलते हैं, उनका विग्रह को लेकर के सोए तो उनको गोद में लेकर सोए। अभी इनकी भावना को देख करके उनको पिता माता ने देखा, बच्चा भी बड़ा हो गया, हमने कहा था किसी साधु संत की सेवा में, ठाकुर को सेवा में दे देंगे। इतने में आया, सब लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, जब जा रहे थे तब इन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का उनको कथा सुन करके बचपन से ही स्वाभाविक रूप में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का प्रति इनकी स्वाभाविक रूप में इनका रुचि है, प्रेम है। कुछ लोगों को देखा गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तब इन्होंने बोले मैं भी जाना चाहता हूँ अंबिका कालना। अंबिका कालना में वहां पर श्री गौरदास पंडित का शिष्य श्री हृदय चैतन्य है, कहते मैं भी वहां जाऊंगा। और पहले ये नियम होता था, सबको गुरु करण करना पड़ता था, सब जानते थे बिनु गुरु भवन धि तरई न कोई, जो बिरिंचि शंकर सम होई, गुरु गोविंद दो खड़े का के लाग पाऊं, बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताऊं। पहले लोग सब जानते थे जीवन में सबको एक ना एक दिन गुरु मंत्र लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई गुरु मंत्र नहीं लेते हैं, गोस्वामी जो कहते हैं कि तीजल पा बक गगा न समीरा पंचरचिता यह अधम शरीरा, वो कभी अधम शरीर इसमें केवल टाटी पेशाब खून पी के सिवाय कुछ है ही नहीं, ये अधम है। सवेरे देखो मुंह से बदबू, नाक से बदबू, आंखों से बदबू, कानों से बदबू, और नीचे नीचे से बदबू, तो बदबू ही निकलते हैं, शरीर में कुछ है ही नहीं। लेकिन शास्त्र ने बताया जब तक कोई गुरु मंत्र ग्रहण नहीं करते हैं, शास्त्र कहता है अगली जीवन में उसको पशु योनि में जाना पड़ता है, क्योंकि वो गुरु मंत्र से ही कभी ये शरीर शुद्ध हो जाता है, नहीं तो ये शरीर शुद्ध नहीं होता है, नहीं तो उसको अगले जीवन में पशु योनि में उसको जाना पड़ता है। इसलिए पहले सब के सब गुरु मंत्र ग्रहण करते थे, इनकी मन में भी इच्छा हुई मैं भी गुरु मंत्र को ग्रहण करते हुए, भगवान की भजन करते हुए इस जीवन को मैं भी धन्याति धन्य बनाऊं। तब तो लोग जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, देखा गंगा में स्नान, अब लोग तो अंबिका कालना गए हैं, जो लोग गए हैं मेरे साथ में भी गए होंगे बहुत सारे भक्त लोग, हम जैसे गंगा पार करते हुए नाव में बैठे हुए जाते हैं, और वहां पर गौर और नित्यानंद प्रभु को दर्शन हम करते हैं, इसलिए उसे गंगा स्नान भी हो जाएगा, बस गुरु जी की कदे से हृदय चैतन्य का दर्शन भी हो जाएगा। इसलिए उनको गुरु जी का नाम था हृदय चैतन्य, कहते ओ श्री श्री गौरदास पंडित का शिष्य, कहते ये गौरदास कौन है, कहते कृष्ण लीला में ये कृष्ण का सुबल सखा, ये प्रिय नर्म सखा श्री कृष्ण चंद्र की अत्यंत अत्यंत घनिष्ठ सखा श्री सुबल सखा है। ये सुबल सखा जब कभी कभी कृष्ण को राधा रानी से मिलने की इच्छा होती थी, हैं, उसी समय सुबल क्या करता था, बहाना बना करके वो चला जाता था जाबट, और जटला कुटला को बोलता था हमारे कहीं बछड़ा घूम गया, तुम्हारी कहीं गोष्ठ में नहीं चला गया होगा, वो अंदर में जाकर के राधा रानी को बोलते थे, बोले राधे कृष्ण तुम्हारी विरह में बहुत व्याकुल है, कहते तुम्हारी विरह में कृष्ण तो प्राण छोड़ने वाले, जाओ किसी तरह से कृष्ण से मिलो। बोले कैसे जाओ, बोले एक काम करो तुम्हारी ड्रेस मुझे दे दो और मेरे ड्रेस को तुम ले लो, क्योंकि जो सुबल सखा के जो चेहरा जो मुंह की आकृति वो एकदम राधा रानी से मिलता जुलता होता था, इसलिए कभी कभी राधा रानी क्या करती थी, सुबल का वेश धारण करते हुए अपना गोद में एक छोटे बछड़े को ले लेती थी,
और कहती है मेरे को बछड़ा मिल गया बोलकर ऐसे जटला कुटला को ठग करके वो चली जाती थी कृष्ण के पास में, और कृष्ण के पास में जाकर के कृष्ण सोचता था से सुबल सकता, बोले राधा रानी आएगी नहीं, बोले राधा रानी आना कठिन है, बहुत जटला कुटला ने किसी तरह से अनुकान नहीं दे रही, बोलते मैं तो कृष्ण विरह में लगता है राधा विरह में मैं तो आज प्राण त्याग दूंगी। इतने में सुबल क्या करता था, बछड़ा को नीचे उतार देता था, जब उचार देता था देखता था ये सुबल नहीं ये श्रीमती राधा रानी, इसलिए सुबल इतना कहते इनकी शिष्य है श्री हृदय चैतन्य, तो इनकी शिष्य श्यामानंद प्रभु, कहते हृदय चैतन्य मतलब क्या है, बोले हृदय चैतन्य मतलब कभी महाप्रभु का तिथि आने पर तब उनका गुरुदेव गौरदास पंडित कहीं बाहर गए हुए थे, जैसे हमारी जन्माष्टमी आता है महाप्रभु का तिथि में, जैसे हम लोग बड़े धूमधाम से भक्तों को बुला करके हरि कथा हरि कथा करते हैं, तो उन्होंने देखा गुरुदेव तो आए नहीं अभी तक, तो उन्होंने वैष्णव को बुला कर खूब सुंदर रूप में हरि कीर्तन उत्सव की उन्होंने आयोजन किया हमारे श्री है, जब हृदय चैतन्य आयोजन किया, इतने में गुरु जी आ गए हठात, जब गुरु जी आ गए देखा बड़े सुंदर रूप में कीर्तन भजन पूजा बड़े सुंदर उत्सव चल रहा है, इतने में गुरु जी उनके ऊपर नाराज हो गए, बोले मैंने तुमको आदेश दिया था सबको बुला कर उत्सव करने के लिए, बिना गुरु के आदेश से तुमने किया तो किया कैसे, निकल जाओ यहाँ से, तू निकाल दिया, जब निकाल दिया क्योंकि गुरुदेव उनको वो उनको द्वारा उनको जगत में स्थापन करना चाहते थे, ये मेरे शिष्य कोई साधारण नहीं है, ये मेरे शिष्य कोई साधारण नहीं, तब गुरु जी ने आदेश दिया तो उन्होंने चले गए छोड़ करके, जा करके गंगा किनारा में इन्होंने कीर्तन करना शुरू किया। लेकिन जब उनने सबरे मंदिर खोला है ना, हम लोग अंबिका काल ने गए होंगे वहां पर नित्यानंद महाप्रभु को दर्शन किए होंगे, देखा मंदिर में ठाकुर है, बोले भैया ठाकुर कहाँ गए, ठाकुर कहाँ गए मंदिर में, क्यों कृष्ण का ये सखा लगता है, सखा सखा तुम तो कुश्ती लड़ते हैं दंगल करते हैं, बोले तेरे को दिखाता हूँ तुम दोनों गए कहाँ भैया, तो हाथ में लठिया लेकर के ढूंढे गया कहाँ, ढूंढते ढूंढते जब यमुना किनारे गंगा किनारे में गए ना, देखा वहां पर जहां पर उनका शिष्य श्री चैतन्य उनका नाम था पहले चैतन्य, वहां देखा बड़े उत्सव हो रहा है, सब लोग नाच रहे गा रहे, और स्वयं नित्यानंद महाप्रभु साक्षात रूप में उनके शिष्यों के पास में खूब नृत्य कीर्तन कर रहे कीर्तन में झूम रहे। और उन्होंने जब देखा ये गौरदास पंडित सुबह सखा थे, ये डंडा लेकर के आ रहे, सखा लगते है ना, ये हमको मार पिटा ही नहीं करे। इतने में गुरु जी देखते देखते महाप्रभु ने ये चैतन्य का हृदय में प्रवेश कर गया, उनका हृदय में प्रवेश कर गया, इसलिए उनका नाम हो गया हृदय चैतन्य, मतलब चैतन्य महाप्रभु का हृदय में प्रवेश कर गए, इसलिए उनका ये हृदय चैतन्य। गुरु समझ गए मेरे शिष्य कोई साधारण नहीं, सचमुच से ये इनका भक्त, फिर उन्होंने अपना शिष्यों को वापस लाए, कहते उनसे ही उन्होंने दीक्षा मंत्र उन्होंने ग्रहण किया, इसलिए पहला इनका नाम क्या था, इनका नाम था दुखिया। दुखिया क्यों नाम था, क्योंकि दो संतान मरने का बाद इन्होंने जन्म हुए, बड़े दुख से उनको प्राप्त किया था, इसलिए इनका बचपन का नाम रख दिया था दुखिया नाम रखा। लेकिन जब गुरु जी से दीक्षा मंत्र ग्रहण करते हैं, गुरु जी क्या करते हैं, कहते ब्रह्म संबंधी, हमको ब्रह्म को साथ में भगवान को साथ में वो हमें जोड़ देते हैं, कोई भक्त नाम हो नहीं तो कोई भगवान का नाम हमें दे करके, तब से कोई वैष्णवदास नहीं तो हमें कृष्णदास नाम से हमें अभिहित करते हैं, गुरुदेव हमें स्वीकार करते हैं, हैं? इसलिए गुरुदेव जब उनको कानों में उन्होंने मंत्र प्रदान की, मंत्र प्रदान करते हुए कहते दीक्षा काले करे सही आत्मसमर्पण, सही देह करे तार चिदानंदमय चिदानंदमय कृष्ण विलासे, इसलिए गुरुदेव का चरण में शरणागत होने पर कृष्ण गुरुदेव कृपा करके हमें कृष्ण मंत्र प्रदान करके, मंत्र मतलब होता है मननात त्रायति इति मंत्र, हमें जो मन धर्म से जो ऊपर ले जाए, और दीक्षा मतलब होता है कहते दिव्यम ज्ञानम जत दद्यात् उर्जात पापम संस्कयम, गुरुदेव दीक्षा मंत्र को द्वारा कहते हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, और दिव्य ज्ञान प्रदान करते हुए हमारे समस्त पाप को नष्ट करते हुए
भगवान को साथ में हमें जोड़ देते हैं। इसका मतलब होता है दीक्षा प्रदान करना, इसलिए उन्होंने उनको दीक्षा प्रदान की। दीक्षा प्रदान करते हुए उनका नाम था जो दुखिया, फिर उन्होंने उनका नाम रख दिया कृष्णदास, तभी से इनका नाम हो गया दुखी कृष्णदास नाम हुआ। उसके बाद में उस दिन जब उन्होंने गुरु जी की सेवा की, एक दिन गुरु जी ने इनको श्री वृंदावन भेजे, बोले बेटा तो वृंदावन जाओ, वहां पर एक बहुत बड़ा विद्वान है जिनका नाम श्री जीव गोस्वामी, उनको पास में तुम जाकर के समस्त शास्त्र ग्रंथों को वहीं पर तुम अध्ययन करो। इसलिए लेकिन जो दुखी कृष्णदास वो तो अपना गुरु जी को पास में रहना चाहते हैं, गुरु जी की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन गुरु जी क्योंकि ये कृष्ण की ये कनक मंजरी है, हैं मंजरी होने का नाते कद जीव गोस्वामी कौन है, कद श्री जीव गोस्वामी, कद ये विलास मंजरी, इसलिए एक मंजरी सखी वा सखी को वो श्रृंगार रस की उपाधि से दे सकता है, लेकिन इनका जो श्री कद जो हृदय चैतन्य है, कद ये सुबल सखा की ये अनुगत्य में एक सखा है, लेकिन वो तो श्रृंगार रस में, इसलिए उन्होंने उनको वृंदावन जाने के लिए आदेश दिया, लेकिन इच्छा नहीं रहने पर भी, लेकिन गुरु आज्ञा जबचारणीय, अगर गुरुदेव हमें कोई आदेश प्रदान करते हैं और गुरु जी के आदेश के ऊपर में विचार नहीं करनी चाहिए, गुरु जी के आदेश को अपना हृदय में धारण करते हुए हमें पालना करनी चाहिए, इसलिए गुरु जी आज्ञा को पालन करते हुए श्री वृंदावन में आए। जब वृंदावन में आए श्री जीव गोस्वामी, उस समय में विश्व वैष्णव राज सभा का ये मूर्धन्य विद्वान श्री जीव गोस्वामी थे, इसलिए इनको पास में नरोत्तम श्यामानंद और श्रीनिवास ये तीनों ने इनको पास में रह करके समस्त ग्रंथ शास्त्र को उन्होंने गोस्वामी ग्रंथों के उन्होंने अध्ययन किया है। लेकिन ये जो तीनों ये कोई भी श्री जीव गोस्वामी के शिष्य थे ही नहीं, ये तीनों के तीनों जैसे श्री श्यामानंद प्रभु ये श्री हृदय चैतन्य के शिष्य, नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ दास गोस्वामी का, श्याम श्रीनिवास आचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का शिष्य, ये कोई भी उनकी जो दीक्षा शिष्य नहीं था, लेकिन जो साधु लोग है ना, कहते ये वसुधैव कुटुंबकम, कहते अयम निज परवेति गणना लघु जतसाम उदार चरित मनांतु वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा ये तेरा जिसका हृदय बहुत छोटा होता है, कहते ये मेरा शिष्य ये तेरा शिष्य उसका शिष्य विचार करते हैं, लेकिन जिसका हृदय महान होता है वो सोचता है हम एक ही परिवार के श्री चैतन्य महाप्रभु का परिवार के, और ये जो गुण है ना ये हमारे गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अंदर में ये गुण दिखाई पड़ता है, इसलिए हम इनको श्री जीव गोस्वामी के साथ तुलना देते हैं। हैं जीव गोस्वामी जैसे सिद्धांत में पारगत, विश्वनाथ गड्डा वो रस का आचार्य है, कभी कभी हम कहते माने ये दोनों मिल करके श्री हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, इसलिए इनको पास में भी आप देखो अक्सर करके इनको पास में जितने शिक्षा प्राप्त किए हुए ना उनका जितने शिष्य है उससे ज्यादा उनके शिष्य से बाहर है, जैसे भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज का प्राय करके उनके पास शिष्य थे, जैसे मैं था भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज का आश्रित, सिद्धांति महाराज श्री माधव प्रिय प्रभु श्री भक्ति ब्रह्मपुरी गोस्वामी महाराज का आश्रित, श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज का शिष्य कोई थे श्री भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज का शिष्य, जितने सब सन्यासी सबके सब उनके शिष्य, और श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज का शिष्य, ये सबके सब गुरु जी के चरण में आकर के, और गुरुदेव कभी अपना पराया नहीं देखा उन्होंने, सबको उन्होंने बराबर रूप में उन्होंने सबको उन्होंने भक्ति और साधन भजन का शिक्षा दिया और सारा दुनिया में महाप्रभु का वाणी प्रचार किया। उसी तरह श्री जीव गोस्वामी के पास में भी ये तीनों महापुरुष आए और इन्होंने इनका जो उपाधि प्रदान किया ना, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर है श्यामानंद, कहते श्री श्यामानंद आचार्य, कहते श्री नरोत्तम ठाकुर श्यामानंद आचार्य श्रीनिवास ठाकुर, जो उनको जो उपाधि जो प्रदान सब मिलता है, कहते श्री जीव गोस्वामी ने ही ये सब के सब उनको
उपाधि में उनको विभूषित किया है, इसलिए ये गुण हमारे गुरु जी के अंदर में दिखते हैं। जब श्री जीव गोस्वामी के पास में उन्होंने सारे ग्रंथों को उन्होंने अध्ययन किया, सब कुछ पढ़े सुने, लेकिन उन्होंने श्री श्यामानंद श्री दुखी कृष्णदास को बोले देखो जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक मेवा नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ पर जो निधु वन निकुंज वन में अभी भी श्री राधा रानी अपना लीला करते हैं, बोले अद्यापि वो सही लीला करे गौर राय कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे बारे अभी भी ठाकुर जी। इसलिए बंगला में कीर्तन है, बोले एक न सही वृंदावन बंसी बाजे रे, एक न सही ललना जलानी ते जाए जमुना। इसी भजन में गाते हैं अभी भी कृष्णा क्या करते हैं वृंदावन, अभी भी कृष्णा बंसरी बजाते हैं, अभी भी ब्रज की गोपियां यमुना में पानी भरने जाते हैं, अभी भी कृष्णा सखाओं को साथ में जब बछड़े चराने के लिए जाते हैं अभी भी उनका चरण की धूल अभी भी उड़ती है, अभी भी निकुंज वन निधुवन में अभी भी आप लोग सब जानते हो रात को वहां एक बंदर तक भी नहीं रहते हैं, रात की फूल की सजा लगाते हैं वहां पर, दांतन लड्डू और पान की बिड़िया रख लेते हैं, सवेरे जाकर देखो लोटे में कभी पानी नहीं मिलता कभी लड्डू नहीं मिलता, ऐसे लगता है पुष्प की सज्जा के ऊपर में रात को कोई विश्राम करते हुए गए हैं, अभी भी कृष्ण वृंदावन में लीला करते हैं। इसलिए श्री जीव गोस्वामी बोले देखो दुखी कृष्णदास जाओ वृंदावन में झाड़ू लगाओ, वहां पर झाड़ू लगाओ, तो उन्होंने वहां पर जाकर के झाड़ू लगाया करते थे, हृदय से रो रो कर पुकारा करते हे राधे कब मेरे ऊपर में तुम्हारी कृपा होएगा, मेरे ऊपर में तुम्हारी कब आशीर्वाद होगा, रोते थे। और झाड़ू लगाने पर क्या होता है वो जो धूल उड़ता है, और ब्रज का धूल क्या है कहते धूला नहीं धूली नहीं गोपी पद रेणु, वहां के धूल कोई साधारण धूल नहीं, ये ब्रजवासी ब्रज राधा रानी के चरण की ये धूल है। इसलिए श्री हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं बोले अनाराध्य राधा पदम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तद अटबिम असंभाष्य तद भाव गंभीर चिता उतः श्याम सिंधु रस श्याम गाओ। अगर कोई किसी व्यक्ति को कृष्णा रस समुद्र में गोता लगाना चाहते तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं बोले अनाराध्य राधा पदा भोज रे, जब तक इस राधा रानी के चरण की धूल का आश्रय नहीं करोगे, दूसरा जब तक राधा रानी के चरण को तरह अंकित श्री वृंदावन धाम का आश्रय नहीं करोगे, अब सबसे बड़ी चीज है राधा रानी की प्रेम रस में जो डूबे जो साधु है सराबर हुए जो साधु है, जब उनके चरण धूल में कोई आश्रय ग्रहण नहीं करे कुतः श्याम सिंधु रस श्यावगाव, कहां कृष्ण रस समुद्र में कहां तुम गुप्ता लगा सकते हो। इसलिए जो ब्रज रज है वो साधारण वस्तु नहीं ब्रज रज, अब जब झाड़ू लगाते हैं संपूर्ण शरीर में धूल से लोटपोट हो जाते थे, कभी जमीन पर गड़ागड़ी जाते थे, इसलिए ब्रह्मा जिसको कहते हैं बोले चिंता मणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष, ब्रज का धूला धूली नहीं कृष्ण जिस धूल को धरा कृष्ण स्वयं अभिषिक्त है, नारद जी इसी ब्रज रज को लेकर गए थे द्वारका में, भगवान कृष्ण जिस ब्रज रज में कृष्ण स्वयं स्नान करते हैं, इसलिए यहाँ का रज कोई साधारण नहीं, कृष्ण स्वयं कहते हैं उद्धव अनुब्रजामि अहम नित्यम हुए एत अंगिर रेणु भी, मैं भी भक्तों के पीछे 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 चलता, बोले क्यों, बल्ले जब भक्त चलेंगे उनका चरण धूलि जब उड़ेगा कम से कम मेरे सर पर पड़ेगा तो मैं तो पवित्र बन जाऊंगा। किसने कहा क्या प्रभु आप अपवित्र हो गए हो, आप कहते हो पुए एत मेरे को पवित्र करता है, बोले हाँ मैं तो बहुत अपवित्र हो गया, भगवान कहते हैं बोले आप अपवित्र कैसे हो गए, बोले भक्त लोग मेरी सेवा करते हैं दिन रात मेरी सेवा करता है, मैं चाहता हूँ भैया भक्त कुछ तो दे दिन भर मेरा ही करते मैं तो ऋणी बन जाऊंगा, है उनका ऋणी से उऋणी कैसे बनू, कुछ तो दे करके उऋणी बनूंगा, इसलिए भक्तों को तो भक्त कुछ मेरे से मांग लो, लेकिन भक्त फिर क्या कहते हैं
बोले न धनम न जनम न सुंदरी कविता बा जगदीश कामय मम जन्मन जन्मन स्वरे भवताद भक्ति आहि। बोले हे प्रभु हमें धन जन पुत्र परिवार हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो जन्म जन्मांतर में तुम्हारी चरण में भक्ति और तुम्हारी चरण की सेवा में। भगवान कहते तुम्हारी सेवा ले लेकर एक तो ऋणी बन गया और कुछ देना चाहते तो फिर तुम कहते हो सेवा, फिर तो मैं ऋणी बन जाऊंगा। इसलिए भगवान देखते भैया इनका ऋणी से मैं ऋणी बन कैसे। कहते नहीं कहा चरण धुलिया कर लू, कहते भक्तों को थोड़ी मेरे को चरण धुल देगा, वो दगा ही नहीं। इसलिए भगवान कहते मैं उसको पीछे 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 चलता हूँ, अगर उसका चरण धूलि उड़ेगा मेरे सर पर पड़ेगा तो मैं पवित्र बन जाऊं। इतने ब्रज रज की इतने महिमा, और आज श्री श्यामा दुखी कृष्णदास क्या कर रहे हैं, आज उसी ब्रज रज में अभिषिक्त हो रहे हैं, ब्रज रज में लोत प्लोत हो रहे हैं, हैं? इसलिए और क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, हैं? इसलिए भगवान के दरबार में झाड़ू लगाना कोई साधारण बात नहीं। कहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, बोले राधा रानी के निकुंज मंदिर में, सेवा कुंज निधुवन में, जिसके लिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बोले जत किं करि सुभाव स खड़ु काकु वाणी नित्यम परस पुरुष शशिखंड मौले जस्या कदा वृषभ जस्या कदा रस निधे वृषभानुजाया तत्केल कुंज भवनांगनि मार्जन श्याम। इसे जहाँ पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं क्या मेरा ऐसे सौभाग्य होगा, बोले कौन सा सौभाग्य चाहते हो, बोले जिस निकुंज में श्री राधा रानी मानिन्य होकर के मान करके बैठी है और अपना सखी मंजरी को कहते हैं आज तो मैं किसी काले का मुंह देखना नहीं चाहता हूँ, किसी काले को अंदर में घुसने में दिया करना, तुम्हारी जो चोटी काली है ना उसमें भी फूलों की माला से उसको भी सफेद बना दो, ये भ्रूर भी काली बोले इसमें चंदन लगा करके इसको भी सफेद बना दो, आज मैं किसी काले को घुसने में ही दूंगा, है घुसने में दिया करना। कृष्ण आकर के उनका सखी मंजरियों के पास में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं मेरे को श्री किशोर जी की थोड़ी दर्शन दे दो, लेकिन सखी मंजरिया उनको नहीं आज तुम्हारी प्रवेश नहीं। जिस कुंज में राधा रानी मान होकर बैठे हुए सखी मंजरिया जो झाड़ू लगाते हैं कुंज में, वो झाड़ू का मैं क्या कभी एक सलाह का बन पाऊंगा, क्योंकि राधा रानी की जिस कुंज में रहती है उसमें झाड़ू, इसलिए जहां पर ये प्रार्थना कर रहे हैं वहीं पर आज वो झाड़ू लगा रहे हैं। कौन बोले दुखी कृष्णदास वहीं झाड़ू लगा रहे हैं, और कितना सौभाग्य है ब्रज रज में लोत प्लोत हो रहे हैं और राधा रानी के नाम को ले लेकर के रो रो करके झाड़ू लगा रहे हैं। अभी राधा रानी रीझ गई, अभी राधा रानी दर्शन देना चाहती हैं, लेकिन दर्शन दे कैसे, इसलिए राधा रानी बहाना बनाया। क्या बहाना बनाए, उन्हें जान बुझ करके चरण की पाए नुपुर को उन्हें छोड़ करके गए। जब श्यामानंद प्रभु सवेरे आए देखा बड़े सुंदर नुपुर है सोने की जंगल में, तब उन्होंने नुपुर को प्रणाम किया सर पर लगाए, जब सर पर लगाए ना उनका ऐसे तिलक है, श्यामानंद संप्रदाय में ऐसे तिलक है हाँ परिवार में, अब देखना जैसे तिलक है और उसका यहाँ पर एक बीच में एक काला सा एक बूंद है, क्योंकि जब उन्होंने सर पर वो नुपुर को लगाए वो अपने आप उनका तिलक लग गया, यहाँ पर बूंद रूप में ये तिलक लग गई, तिलक लग गए उनकी, इसलिए उन्हें नुपुर को ला करके अपना श्री जीव गोस्वामी को बोले बोले झाड़ू लगाते लगाते जंगल में ये नुपुर मिला। ये तो विलास मंजरी जीव गोस्वामी नुपुर को देख करके पहचान नहीं गई, बोले बेटा ये नुपुर है ना जिसको तिसको नहीं देना, अगर कोई लेने के लिए आए परीक्षा करेंगे बोलना जिनका चरण की नुपुर वो स्वयं आए मैं अपना हाथों से पहना दूंगा, बेटा देना नहीं है, क्योंकि वो पहचान गए राधा रानी दर्शन देने के लिए बहाना बनाई राधा रानी। जब फिर झाड़ू लगा रहे थे इतने में ललिता विशाखा है बोले बाबा बाबा हमारे घर की बहू यहाँ पर फूल चयन करने आई थी, कहीं चरने के नुपुर कहीं घूम गया, क्या तेरे को मिला, बोले मिला, बोले दे दो, बोले उनको स्वयं बुलाओ मैं अपना हाथों से चरण में नुपुर धारण कराऊंगा। इतने में ललिता विशाखा बोली तेरे को शर्म नहीं लग रहा है, तू बाबा ना ढोंगी है किस चीज की ब्रह्मचारी, वो हमारी घर की बहू और हमारे घर की बहू के प्यार में तो नुपुर पहना, तो शर्म नहीं लग रहा है,
अच्छा चाहे तो दे दो, नहीं तो भैया को बुलाएंगे, धुलाई करेंगे अच्छे तरह से। बोले भैया जो कुछ बोलना बोल दो, गुरु जी तो बोले ऐसे करने के लिए। तब उन्होंने राधा रानी को जाकर सारी बात बताई। राधा रानी बोली बोलना ये हमारी घर की बहू ऐसे नहीं आएंगी, पहले तुम आंखों में काला पट्टी बांध दो फिर आऊंगी। तब उन्होंने राजी हो गए। तब स्वयं वहां पर श्री राधा रानी आई और श्री दुखी कृष्ण दास अपना हाथों से राधा रानी के चरण में उन्होंने नुपुर पहना। राधा रानी तो कौन है, कहते वैदग्ध सिंधु अनुरागिक सिंधु लावण्य सिंधु रति सांद्र कृपायिक सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपायिक सिंधु श्री राधिके स्फुरत में हृदय केल सिंधु। राधा रानी में ये सप्त समुद्र जैसे, इकु का समुद्र, गना की समुद्र जैसे, दूध का समुद्र, दही की समुद्र, कहते उसी तरह श्री राधा रानी के अंदर में भी ये सारे सात समुद्र राधा रानी में भी विद्यमान। कहते वैदग्ध सिंधु, विदग्धता का ये साक्षात समुद्र है। वैदग्ध सिंधु अनुराग का सिंधु, अनुराग का ये समुद्र है। ये लावण्य की सुंदरता के समुद्र है, रति की समुद्र, कृपा की समुद्र, प्रेम की समुद्र। कहते श्री राधे के स्मृत में हृदय खेल सिंधु, ऐसे जो राधा रानी सारे समुद्र के मूल है, कब मेरे हृदय में श्री राधा रानी की प्राकट्य हो। राधा रानी प्रेम स्वरूपी, जब उनका चरण में उनके हाथ लगा, इनकी रोम रोम खिली उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गया, प्रेम में हृदय गदगद हो गया और राधा जी की चरण को पकड़ करके बोले हे राधे, जब आप इतने दूर तक कृपा की हो, मेरे को दर्शन महाराज जी, आवाज नहीं आ रहा, आवाज बंद हो गया। आवाज आ रही कि नहीं? अब आ रही, अब आ रही, अब ठीक है। अरे हाँ भारत जी, अब आ रही है, आ रही है। इसलिए उन्होंने उन्होंने फिर बंद हो गया आवाज। रानी को उन्होंने दर्शन किया, इसलिए बोला श्रीमती राधा रानी की जय। जब राधा रानी को आनंद प्रभु, श्यामा मतलब श्रीमती राधा रानी, आनंद मतलब होता है जो राधा रानी की आनंद से जो आनंद प्राप्त करते हैं। बात श्यामा आनंद मतलब जो श्यामा मतलब राधा रानी को हर समय जो आनंद प्रदान करती है मंजर रूप में, क्योंकि मंजरियों का काम है, क्या काम है, राधा रानी के दुख में दुखी और राधा जी के सुख में सुखी, ये मंजरी है। इसलिए हर समय इनकी चेष्टा ये छोटिया होती है, लेकिन राधा रानी की निकुंज में प्रवेश करते हुए जहाँ पर प्राण पृष्ठ सखी कुलाद की असंचोकित भूमिका, जहाँ पर ललिता विष्टकादि सखियां भी जहाँ प्रवेश करने के लिए संकोच बोध करते हैं, और ये मंजरिया उसी में बिना हिचकिचाते हुए अंदर में प्रवेश करके राधा कृष्ण की समस्त सेवा में जिनके अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए इनका नाम उन्होंने श्री श्यामानंद नाम रख दिया इनका नाम। इसलिए कहते श्री जीव गोस्वामी को पास में जब ये तीनों प्रभु ने अच्छे तरह से पढ़ लिए, प्रभु जी कितने समय तक कथा सुनाएंगे? महाराज जी सुना दो और आधा घंटा और बोल दो, कोई बात नहीं। कितने समय तक? आधा घंटा और बोल सकते हैं महाराज जी, 20 मिनट से 30 मिनट, हाफ एन आवर और 10 मिनट सुना दे। ठीक है ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। इसलिए जिस समय ये नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास ये तीनों श्री जीव गोस्वामी अनुगत्य में रह करके उन्होंने सारे शास्त्र ग्रंथों को, गोस्वामी ग्रंथों को जब इन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद श्री जीव गोस्वामी ने ये नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास ये तीनों को उन्होंने
जगत में प्रचार का दायित्व दिया, बोले जाओ ये ग्रंथों को लेकर के तुम लोग सर्वत्र प्रचार और प्रसार करो, ग्रंथ को तुम लोग प्रचार करो। इसलिए हमने सुना है अभी आप लोग भी ग्रंथ प्रचार के लिए बड़े उत्साह में लगे हुए, ये प्रचार करनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथों को बताया ये बृहत मृदंग, ये अभी नहीं महाप्रभु का समय में भी ये तीन लोगों को दे करके जीव गोस्वामी ने सर्वत्र भेजा, ले जाओ जा करके ये ग्रंथ प्रचार को जगत में प्रचार करो, ये बृहत मृदंग है। ये अगर किसी पृथ्वी का किसी कोने में किसी व्यक्ति को हाथ में अगर ये ग्रंथ बढ़ जाए, वो ग्रंथ जीव का परिवर्तन, हृदय को परिवर्तन कर देता है। कि जो प्रचार की ग्रंथ प्रचार की जो सेवा है, एक बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए आप लोग उत्साह पूर्वक ये काम कर रहे हो, जो कर रहे हैं आप लोगों को सब धन्यवाद, क्योंकि गुरुदेव ने बहुत परिश्रम करके, अथाह परिश्रम करके उन्होंने ये ग्रंथों को रचना किया है। दिन रात एक करके गुरुदेव ने ये ग्रंथ प्रकाशित किया है। इसलिए जिन जिन्होंने इसमें मदद कर रहे हैं, समझो भगवान की बड़े आशीर्वाद, भगवान की बड़ी कृपा आप लोगों को बारे में है। इसलिए उन्होंने ये तीनों को भेज जाओ, ग्रंथ को ले बक्स लेकर के जाओ। जब उन्होंने बक्स को लेकर के जा रहे थे, जब उन्होंने बंगाल में प्रवेश किया, वहां पर एक डाकू का सरदार था, हाँ डाकू का सरदार था, कहते राजा बीर हमबीर, कहते ये बन विष्णुपुर एक स्थान है, राजा बीर हमबीर ये डाकू का सरदार है, ये क्या करता था, चोरी डाकू करवाया करता था। लेकिन उनके पास में कुछ गणिक, गणिक के मतलब होता है जो ज्योतिष थे, वो सारे बात को बता देते थे, कौन कौन कहाँ किधर आ रहा है और कैसे डाकू डालना है। तब उनका जो गणक थे, जो ज्योतिष, उन्होंने राजा वीर हम्बीर को बोले, बोले देख एक बक्सो के अंदर में बड़ी कीमती कीमती हैं बहु रत्न द्रव्य, ये तुम्हारे देश में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ लोग लेकर के आ रहे हैं, अगर तुम किसी तरह से अगर तुमने चोरी कर लिया ना, लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र कहता है तुम तो एकदम माला माल हो जाओगे और तुम्हारे देश में मंगल मंगलमय होगा, जगत में बड़ा कल्याण होने वाले तुम्हारा है। ज्योतिष ने जब किया, इतने में ये नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास उन्होंने एक बड़े बक्सों के अंदर में सारे ग्रंथों को एक बैलगाड़ी में पर रख करके लाए। जब इनके राज्य में प्रवेश किया, वहां पर शाम को खूब कीर्तन नाच हरि कीर्तन हुई, सत्संग हुई और सबके सब प्रसाद पा करके जब सो गए तो ये राजा डाकुओं को भेज करके पूरा वो जो ग्रंथ का बक्स था, बहुत बड़े बक्स को पूरा उन्होंने उठा करके ले आए। उठा करके जब ले आए, सवेरे जब ये लोग ने उठे, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास उठे तो देखा ग्रंथ का बक्स ही नहीं, बोले कहाँ गया, क्योंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस होता नहीं था जो फटाफट बन जाए। पहले तो ताल पत्ते के ऊपर में बड़े कष्ट से ताल पत्ते के ऊपर में लिखा करते थे, बहुत कठिन से ये ग्रंथ बनता था, सारे श्लोक के एक एक कर लिखना पड़ता था। इसलिए बोले इतने कष्ट से गोस्वामी ग्रंथ, कितने बहु मूल्यवान ये ग्रंथ हैं, उनका हृदय है, ये ग्रंथ रूप में अपना हृदय को रख करके गए और उनकी ग्रंथ चोरी हो गया, इतने दुखी हो गए, खाना पीना सबके सब छोड़ दिए, छोड़ करके वहां पर पता लगा रहे थे भैया ये कैसे क्या होगा नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा देखो ये पास में है ना एक डाकू का सरदार, एक राजा वीर हमबीर है, हो सकता है आप उनको राज्य वहां पर जाओ, हो सकता है वहीं पर तुम्हारी ग्रंथ मिल सकता है। जब मिलेगा, उन्होंने ये खबर उन्होंने वृंदावन में भेज दिया जीव गोस्वामी के पास में, सारे ग्रंथ कहीं चोरी हो गई, हाँ किसी ने चोरी करके ले गया। गोस्वामी लोग सुन करके बड़े दुख कष्ट पाए, क्योंकि पहले ऐसे नहीं था, कोई प्रिंटिंग किया और उसका कोई एक लिपि रह जाए, बड़े कष्ट से लिखा था इसको, बड़े दुखी हो गए। फिर हमारे वहीं से फिर नरोत्तम दास ठाकुर जी को उन्होंने भेज दिया मणिपुर में, और श्यामानंद प्रभु को भेज दिया उड़ीसा में, और श्रीनिवास आचार्य ने फिर जो राजा वीर हम्बरी है उनको राज्य में जाकर के कहीं थोड़ी दूर में वहीं पर निवास किया, और वहीं पर फिर उन्होंने, वो राजा तो था डाकुओं का सरदार, लेकिन एक विशेष गुण था, बोले क्या, बोले ये शाम को यहाँ दरबार लगता था और वहां पर ये भागवत पाठ होता था और एक पंडित आकर के भागवत कथा करता था,
और वहां पर श्री श्रीनिवास आचार्य गए और जा करके देखा, उसी समय में गोपी गीत की पाठ हो रही थी, लेकिन उन्होंने गोपी गीत को तो सुना, बोले तो कथा सुना रहा है लेकिन उसके अंदर में कोई विद्वान है लेकिन कोई भाव नहीं। तब उन्होंने बोले एक दिन क्या मेरे को चांस दिया जाएगा, मैं भी थोड़ी गोपी गीत ऊपर बोलू। बोले निश्चित रूप में। जब उनको चांस दिया, इतने सुंदर उन्होंने जीव गोस्वामी के अनुगत्य में उन्होंने सारे ग्रंथों को उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने जब गोपी गीत, तब विरह का गीत है, कैसे कृष्ण रास से अंतर ध्यान होने पर गोपियां बैठ करके रो रही हैं। जब उन्होंने एक एक श्लोक को हमारे गोस्वामियों ने अन्य और व्यतिरेक, अन्य मतलब अनुकूल और विपरीत रूप में, एक विरह रूप में और एक मिलर रूप में, दो दो तरह का उन्होंने अर्थ किया। जब उन्होंने गोपी गीत उन्होंने उन्होंने पाठ किया, इतने सुंदर उन्होंने पाठ किया, और वहां पर जितने बैठे हुए थे सब लोग सुन करके, जब तक सुने तब तक आंखों से आंसू बंद ही नहीं हुआ, इतने सुंदर उन्होंने कथा की। जिसको सुन करके राजा बोले वाह, मैंने जिंदगी में कभी इतने सुंदर कथा ही नहीं सुनी। आवाज नहीं आ रहा महाराज जी। हरी बोल, आवाज आ रही है? अभी आ रही है, बंद हो गई थी। आवाज आ रही है? अब आ रही है महाराज जी, बंद हो गई थी बीच में थोड़ी देर, अब ठीक है। हरी बोल, हरी बोल। अब आ रही है महाराज, आ रही है जी। हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, आ रही है। इसलिए उन्होंने जब उन्होंने गोपी गीत को सुने, गोपी गीत को सुन करके कितने सभा में बैठे हुए थे, सब के सब रोते रहे, और एक दिन जा करके उन्होंने देखा ये श्रीनिवास आचार्य जो रो रहे, बड़े दुखी होकर बैठे हुए। बोले बाबा क्या बात, आप दुखी होकर क्यों बैठे हो? बोले ऐसे ऐसे सारे गोस्वामी ग्रंथ आपका यहीं पर आते ही अपहरण हो गया, गोस्वामी ने बहुत कष्ट करके ये ग्रंथों को बनाया था, बहुत कष्ट करके, इसलिए हम बड़े दुखी हैं। फिर राजा उनका चरण में गिर पड़े, बोले मैंने चोरी करने वाला मैंने आपका चरण में अपराध किया है, हैं? अपराध किया है, लेकिन हमारे जो ज्योतिष ने ये बताया था अगर ये ग्रंथों को आप किसी तरह से अगर हरण कर लोगे तो माला माल हो जाओगे, इतने धन दौलत तुम्हारा देश में, इतने मंगल होगा, इतने मंगल होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन वास्तव रूप में जब बक्स को लाए और उसको खोला, देखा कुछ है ही नहीं, ग्रंथ ही ग्रंथ है, लेकिन ग्रंथ रत्न, ग्रंथों को रत्न कहते हैं, और उसमें भगवान की कथा है, और जो भगवान की कथा कैसे है, इसलिए गोपियां हरे बोल, हरे कृष्णा। बंद हो गया महाराज जी आवाज। फोन करती हूँ सर, मैं फोन फोन करने के लिए। ठीक है, अभी ठीक है, आ रही है आवाज, आ रही हो गया। हरे कृष्णा, हमारा आवाज आ रही है? आ रही है महाराज जी। इसलिए कहते कहते जो भगवान की जो कथाएं, बोले तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मांगलम श्रीमदाततम गोवि गृणंति ते जना। जो भगवान कथाएं वो अमृत है, सब दुख को दूर करने वाले, जीवन में मंगल मंगलमय देने वाले। इसलिए सचमुच से ये ग्रंथ अगर नहीं लाते तो आप यहाँ नहीं आते, अगर आप नहीं आते तो
आपसे कथा भी सुनने को नहीं मिलता। खैर उन्होंने पूरा अपना परिवार समेत और देश में जितने लोग वहां पर थे सबके सब श्री श्रीनिवास चरण में शरणागत हो गए, सबके सब ने दीक्षा मंत्र ग्रहण करके भजन किया। इसलिए हमारे जो श्यामानंद प्रभु इनका जो प्रचार उड़ीसा में हुआ है, उड़ीसा में अभी भी उड़ीसा में इनका मंदिर है, इनका वहां पर श्री राधा श्याम सुंदर को उन्होंने स्थापन किया, वहां पर राधा गोविंद देव मंदिर है, हाँ गोविंद देव मंदिर श्यामानंद प्रभु ने वहां पर विग्रह को उन्होंने स्थापन किया था। उड़ीसा में अभी भी गांव गांव में श्री श्यामानंद प्रभु का नाम है, जिन्होंने पूरा उड़ीसा को उन्होंने भक्तिमय किया। इसलिए हम लोग भी जो उड़ीसा के जितने भक्त हैं, अभी लोग जो हम भक्ति में आ रहे हैं, किसका कृपा है हम लोग आए, अभी उड़ीसा के हम बहुत भक्त है, जैसे यहाँ पर भी हम रह रहे हैं, यहाँ पर भी बड़ोतमे के श्यामानंद प्रभु जो मंदिर की सेवा कर रहे हैं, और हमारे नोएडा में एक श्री अनुपम प्रभु जी वहां भी सेवा कर रहे हैं, हैं? और इसको पहले यहाँ जनार्दन महाराज प्रभु थे, और एक जगन्नाथपुरी में श्री बंसी वदन प्रभु जो बधायन महाराज, और वहां पर तपन प्रभु, अभी हम हमारे उड़ीसा के प्राय करके जितने भक्त हैं आप देखोगे सब एक एक मंदिर को इस सबके सब संभाल रहे हैं, और इस्कॉन में भी आप जाओगे देखोगे, इस्कॉन में भी आप देखोगे, बॉम्बे में जाओ, दिल्ली में जाओ, अक्सर करके देखो, और जहां पर श्री इनके जो मायापुर में जो सबसे जो बड़ा मंदिर है वहां पर एक पुरुषोत्तम महाराज, अक्सर करके मंदिर में देखोगे उड़ीसा के जो भक्त लोग सारे मंदिर को देखभाल करने वाले उड़ीसा के लोग, प्रचार करने वाले उड़ीसा के लोग है। इसलिए ये किसकी कृपा है, हैं कहते ये किसकी कृपा है जो कि आवाज गया फिर आ रही है आवाज, हाँ अभी आ रही है, ठीक हो आवाज आ रही है, हाँ महाराज जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, इसलिए आ रहे ना, इसलिए जो उड़ीसा के जो इतने भक्ति है कहते इसको किसने प्रचार किया, बोले श्यामानंद प्रभु ने ही ये सब के सब प्रचार किया है, श्री श्यामानंद प्रभु इनकी कृपा है। अभी वो भक्ति की धारा भी अटूट रूप में हमारे श्री भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, ये सब के सब श्री उड़ीसा के ये सब के सब लोग है, और बड़े बड़े भक्त हुए हैं उड़ीसा में, ये कृपा श्री श्यामानंद प्रभु का ही कृपा है, जो कि ये उड़ीसा में अभी भी वो भक्ति धारा है अभी भी कंटिन्यू रूप में प्रवाहित, अभी भी ये हो रहे हैं। इसलिए कहती ये श्यामानंद प्रभु का आशीर्वाद है, इसलिए कहते ये आज का दिन ही हैं, कहते आज का दिन ही श्यामानंद प्रभु जी हैं, कहते अंतिम जो काल है, कहते वहां पर एक गांव था जिसका नाम था श्री नृसिंहपुर गांव है, उन्होंने वहीं पर रह करके खूब भक्ति को प्रचार प्रसार उड़ीसा में उन्होंने किया, और प्रचार करते करते 1552 शताब्द में आषाढ़ी कृष्णा प्रतिपदा तिथि का दिन कहते ये श्यामानंद प्रभु श्री नृसिंह गांव में ही उन्होंने अपना अंतिम अप्रकट लीला को उन्होंने आविष्कार किया है। इसलिए कहते इनका तो और भी बहुत सारी उन्होंने शिष्य उन्होंने किया है, हैं कहते शिष्य किया, और शिष्य में जैसे इनका नाम है शिष्य में कहते श्री राधानंद, श्री पुरुषोत्तम दत्त, मनोहर, चिंतामणि, बलभद्र, जगदीश्वर, उद्धव, अक्रूर, मधुबन, गोविंद, जगन्नाथ, गदाधर, आनंद है, राधा मोहन, ये इतने सारे शिष्यों को उन्होंने श्यामानंद प्रभु ने उन्हें शिष्य किया। कद ये श्यामानंद प्रभु ने कद और एक अद्भुत भी इनका काम, कद एक जोगी था जिसका नाम था श्री दामोदर, जोगी का नाम था दामोदर, कहते इन्होंने वो दामोदर जोगी को भी उन्होंने उद्धार किया, बोले ये बहुत बड़ा जोगी था, बोले एक समय श्री श्यामानंद प्रभु कथा बहुत सब कहते श्री श्यामानंद प्रभु कहते एक दीवाल के ऊपर में बैठे हुए थे, थोड़ा पानी दे दो तो, वो दीवाल के ऊपर में श्यामानंद प्रभु बैठे हुए थे, बैठे हुए थे तो कोई एक जोगी कहते एक जीवन तक शेर के ऊपर, जब श्यामानंद प्रभु का जगत में प्रचार प्रसार हुआ, एक जोगी भी कहते एक शेर के ऊपर बैठ करके आया अपना सिद्धता को दिखाने के लिए,
वो दिखाना चाहता था तुम क्या इतना प्रचार कर रहे हो, मैं थोड़ी साधारण हूँ, एक जीवन एक शेर के ऊपर पीठ पर बैठ कर आया और ये एक दीवार के ऊपर बैठ करके दांतन कर रहे थे। तब वो आया, बोले मैं श्यामानंद प्रभु से मिलना चाहता हूँ। तब उनका शिष्य ने आकर के बोले गुरुदेव कोई एक जोगी आया है और एक जीवंत शेर के ऊपर बैठ करके आया। वो समझ गए वो अपना जोग सिद्धि मेरे को दिखाना चाह रहे थे। इतने में श्यामानंद प्रभु जो एक मिट्टी का एक दीवाल के ऊपर बैठे हुए थे, इतने में वो दीवाल चलने शुरू कर दिया। वो दीवाल के ऊपर बैठ बैठ करके आए। वो जो जोगी ने देखा बोले ये क्या, मैं तो सोच रहा था मैं तो जीवंत शेर का अपना उसको मंत्र के द्वारा वशीभूत किया, ये तो निर्जीव दीवाल को धर्म प्राण को संचार कर दिया। फिर उन्होंने वहां से नीचे उतर करके उनको चरण में माफी मांगे, बोले मेरे अपराध को अब माफ कर दो। इसलिए ऐसे श्री श्यामानंद प्रभु सर्वत्र महाप्रभु का वाणी को उन्होंने प्रचार किया। आज का उनका त्रिभाव तिथि है कि हमें सबको ऊपर में कृपा करे, आशीर्वाद करे। इन्होंने जैसे जगत में महाप्रभु का वाणी को प्रचार प्रसार, ग्रंथों को प्रचार प्रसार किया और एक दिन उन्होंने राधा रानी की कृपा को उन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए एक दिन हम भी इनके आशीर्वाद से, गुरु वैष्णव कृपा से, इनके आशीर्वाद से हम भी संपूर्ण जीवन जैसे गुरु वैष्णव के अनुगत्य में गुरु वैष्णव की सेवा महाप्रभु को सेवा करते हुए ये जीवन को बिता दे। हम सबको ऊपर श्री श्यामानंद प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। श्री श्यामानंद प्रभु की जय। श्री गौरीदास पंडित की, बोले श्री कनक मंजरी की, हृदय चैतन्य की जय। पिता गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। बहुत बढ़िया महाराज जी, बड़ा आनंद आया सुन के श्यामानंद प्रभु जी की महिमा, किस तरह से जीव गोस्वामी से इन्होंने शिक्षा ली और प्रचार किया और स्पेशली उड़ीसा में इतना प्रचार किया जहाँ के कि इतने सारे भक्त यहाँ पे हैं। आवाज आ रही है महाराज जी? हरि बोल। आपके पास आ रही है? हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ महाराज जी, आपके चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर आवाज आ रही है। ठीक है महाराज जी, ठीक है, आवाज आ रही है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, आ रही है। ठीक है, तो आपको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ महाराज जी। इतना सुंदर आपने श्यामानंद प्रभु जी के बारे में, जो कि कनक मंजरी हैं, किस तरह से उन्होंने जीव गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त करके पूरी जगह प्रचार किया, स्पेशली उड़ीसा में ग्रंथों का प्रचार किया, और लास्ट में आपने जो बात बताई कैसे जीवंत वो शेर पे बैठ के आए योगी जी और दीवार इनकी चलने लग गई। तो ये जो हमारे वैष्णव है, इनके पास सारी शक्तियां होती हैं गुरु वैष्णव के पास, लेकिन ये इतने सरल होते हैं कि कुछ दिखाते नहीं। लेकिन हम लोग को बड़ा सावधानी से चलना चाहिए, कहीं इनके चरणों में अपराध ना हो जाए, क्योंकि ये सब शक्तिमान है वैष्णव और सब कुछ कर सकते हैं। तो श्यामानंद प्रभु जी को हम प्रणाम करते हैं। और महाराज जी, मैं सबके माइक खोल लेता हूं ताकि आपके बहुत सारे चाहने वाले लोग आपसे बात करना चाहेंगे या आपको अपनी शक्ल दिखाना चाहेंगे तो दिखा सकते हैं। लोग जिसको भी महाराज जी को प्रणाम करना है वो कर सकते हैं सामने आके। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठीक ठाक हो? और संगीता दीदी की हरे कृष्ण दीदी की, विशाखा महारानी की दंडवत प्रणाम। विशाखा दीदी भी, विशाखा दीदी को प्रचार कर रहे हैं, और सरिता दीदी, और सरिता दीदी ये महाराज जी आप ही कर रहे हो सब कुछ। हाँ, और हमारे सरिता दीदी भी, इसलिए आप लोग भी, इसलिए हाँ, इसलिए आप लोग सभी कुछ गुरु वैष्णव, आप लोग सब लोग मिल करके खूब प्रचार कर महाराज जी। सब कुछ गुरु वैष्णव कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे महाराज। हमारे अंदर तो पता नहीं कौन सी शक्ति जो हमें चला रही, आप गुरु वैष्णव का आशीर्वाद है महाराज जी। गुरु वैष्णव आपको द्वारा करवा रहे, बहुत अच्छी बात है। अब लोग, अब लोग कृष्ण की ओर से जुड़े कि नहीं सबके साथ? अब लोग सबके साथ कृष्ण की ओर से जुड़ जाओ, जुड़े हमारे सुंदर गोपाल जुड़े हैं गुरुदेव।
महाराज जी 600 से ज्यादा 700 जुड़ गया, 700 लोग जुड़े हैं, 700 लोग। हाँ बहुत अच्छी बात है, घर परिवार से भी जुड़े हैं गुरुदेव। हाँ घर से भी जुड़े हैं, घर परिवार से भी जुड़े हैं। वाह बहुत अच्छी बात है गुरुदेव, आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी बात, आप लोग जुड़िए और दूसरों को भी जुड़वाओ, ठीक है। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। मोहिनी खंडेलवाल, हाँ सब ठीक ठाक है साहब? हाँ ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। सब ठीक है ना सब? हाँ सब बढ़िया है। ठीक है महाराज जी, तो मैं शाम का, हम लोग शाम को 8 बजे फिर मुलाकात करेंगे आज, और आज हमारा 10वां दिन है फेस्टिवल का। ठीक ठीक, और बहुत सारे ग्रंथों का हम लोग अनुशीलन करेंगे श्रीपाद विजय कृष्ण प्रभु जी के ग्रंथ में। महाराज जी को मेरा दंडवत प्रणाम, और सभी वैष्णवों को, सभी श्रोताओं को मेरा दंडवत प्रणाम। और गुरु महाराज की जय, और भक्त वृंद की जय। हमारे अजय प्रभु, अजय 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 प्रभु, हमारा अजय प्रभु भी बड़े बहुत सेवा कर रहे हैं। अरे महाराज जी दंडवत प्रणाम, मुझे पास भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय, सेवा कर रहे हैं। अच्छी बात, बहुत आप अजय प्रभु को बहुत बहुत अजय प्रभु को मैं बहुत पहले से ही बता रहा था, प्रभु जी आप महाप्रभु का प्रचार करो, अभी प्रभु जी पूरा लग पड़े। अरे महाराज जी आप, हम कुछ नहीं लगे, आपकी कृपा है, वैष्णव की कृपा है, इसलिए गुरु जी कराते हैं, क्या करेंगे हम। आपके शिष्य का मन नहीं भर रहा आपसे देखते देखते, जा ही नहीं रहे। एक एक आदमी पांच पांच छह बार प्रणाम कर चुका है। प्रणाम गुरुदेव, ठीक है, प्रणाम गुरुदेव आपके प्रणाम, दंडवत प्रणाम गुरुदेव, दंडवत प्रणाम गुरुदेव, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। जयपुर आइए जल्दी।